लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पेज 163 क्वेश्चन नंबर 5। इसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट हमारा इनकम्प्लीट था वो आज हम कंप्लीट करते हैं। पेज 163 क्वेश्चन 5 एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं बोर्ड पे। जो हम जहां तक हमने सॉल्व किया था मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर कर देंगे इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट कैपिटल अकाउंट, देन बैंक बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में। बिफोर एडमिशन जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस होते हैं बिफोर एडमिशन, उसको न्यू पार्टनर एडमिट होने के पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हमको कर देना है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हमें मिलेंगे जनरल रिजर्व फंड या P&L इस नाम से। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लायबिलिटी साइड में दिया था जनरल रिजर्व, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था बिफोर एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम क्या करेंगे उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट पे राइट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है। तो हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया इन देयर कैपिटल रेशियो, लायबिलिटी में है इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया। देन After distributing undistributed profits and losses, हम करेंगे first accounting treatment at the time of admission, that is revaluation of assets and liabilities. Revaluation in assets and liabilities को revalue किया जाता है, उनको current figure पे लाया जाता है। तो कौन सी assets पे कितना revaluation है, क्या assets liabilities change हो रही है, ये हमें दिया जाता है adjustment में। तो adjustment number फर्स्ट एंड टू ये न्यू पार्टनर से रिलेटेड है, ये हम आफ्टर रिवैल्यूएशन करेंगे। हमने किया था एडजस्टमेंट नंबर 3 एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20% एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई यानी बढ़ गई, असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो वो प्रॉफिट देके हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 75,000 था, 20% एप्रिसिएशन यानी 15,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई यानी हमारा 15,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट पे शो हुई आफ्टर एप्रिसिएशन 90,000, ओल्ड वैल्यू इज 75, एप्रिशिएटेड बाय 15,000, दैट मींस करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमने शो की असेट साइड में 90,000। देन हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएटेड यानी स्टॉक एंड फर्नीचर पे असेट्स, इन दोनों असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई, कम हुई यानी हमारे लिए लॉस। तो हमने वो लॉस फर्नीचर एंड स्टॉक का रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फर्नीचर एंड स्टॉक की रिवाइज्ड फिगर आफ्टर डेप्रिसिएशन असेट्स में शो किया, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन हमने असेट में शो किया। देन लास्ट एडजस्टमेंट ये हम आज पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारी रिवैल्यूएशंस हो जाने के बाद हमने चेक किया बैलेंस शीट, जो भी अनरिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, अनरिवैल्यूड यानी जिस पे कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, दैट मींस वो असेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई भी चेंज नहीं है, जो बिफोर एडमिशन असेट्स लायबिलिटीज होगा वो सेम फिगर पे आपको आफ्टर एडमिशन भी शो करना पड़ेगा। तो हमने चेक किया सबसे पहले लायबिलिटी साइड, तो हमें दिया था क्रेडिटर्स, इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए क्रेडिटर्स को हमने एज इट इज पोस्ट किया ऑन द लायबिलिटी साइड। देन रिजर्व फंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैपिटल अकाउंट्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर हमने चेक किए थे असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन सब पे रिवैल्यूएशन दिया हुआ था, डेटर्स पे रिवैल्यूएशन नहीं था, इसको हम एज इट इज लिख देंगे डेटर्स 60,000। बिल्स रिसीवेबल पे कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, एज इट इज हमने असेट में शो किया बिल्स रिसीवेबल। देन कैश एट बैंक बैलेंस हम बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा रिवैल्यूएशन का वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल हमारा प्रॉफिट था 8,400,
दैट 8400 हमने डिवाइड किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:1 तो 6300 एंड 2100 हमने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। रिवैल्यूएशन होने के बाद फर्म में आता है न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर से हम दो टाइप का अमाउंट लेंगे, सबसे पहले कैपिटल एंड एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स गुडविल। अब कैपिटल न्यू पार्टनर ने लाया है 60,000 थ्रू आरटीजीएस किया है पेमेंट, ऐसा दिया हुआ है, यानी उसने ये 60,000 का अमाउंट डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारी जर्नल एंट्री पास हुई थी बैंक टू राम्स कैपिटल, कैश इज कमिंग इन एंड राम इज गिवर, तो बैंक के डेबिट में राम के क्रेडिट में। गुडविल अमाउंट रेज दिया है, दैट मीन्स उसने आज अमाउंट गुडविल के लिए पे नहीं किया, फ्यूचर में करने वाला है, तो आपको पेएबल शो करना है, इसलिए पेएबल की एंट्री सबको मालूम है, गुडविल टू किशोर्स कैपिटल टू लाल्स कैपिटल, लाया मिलने वाला गुडविल पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स है, 60,000 को 3:1 में डिवाइड किया, एंट्री पास हुई गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हमने रिकॉर्ड किया। गुडविल की हमने सिंगल एंट्री रिकॉर्ड की है, दैट मीन्स गुडविल अकाउंट शोज बैलेंस इन द लेजर, गुडविल अकाउंट टैली नहीं है, बैलेंस है, इसीलिए हमने ये गुडविल अमाउंट ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में, डेबिट बैलेंस है इसलिए असेट में। यहां तक हम आ चुके थे। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, सबका ध्यान होना चाहिए, एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कहता है, सबसे पहले उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एडजस्टमेंट 5 पे दिया है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, अंडरलाइन ऑल, ऑल मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स दैट मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या कहती है, ये एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबको समझ में आना चाहिए, ध्यान सबका चाहिए। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, राम सॉरी किशोर लाल एंड राम, ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मीन्स ये पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स, कैपिटल्स यानी ये जो मैं बैलेंस कैलकुलेट करती हूँ, क्रेडिट माइनस डेबिट, लाल का क्रेडिट माइनस लाल का डेबिट, राम का क्रेडिट माइनस राम का डेबिट, जो बैलेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं, ये कैपिटल बैलेंस शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है कि ये बैलेंसेस न्यू रेशियो में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको आपको एडजस्ट करना है थ्रू बैंक अकाउंट, ऐसा इस एडजस्टमेंट का मीनिंग है। क्लियर है क्या, एक बार चेक करते हैं, मैं रिपीट करती हूँ फिर आपको सोचना है। द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ये कैपिटल सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स मीन सारे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस, बैलेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, ये बैलेंसेस किस रेशियो में होने चाहिए, वहां दिया है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो न्यू रेशियो में होने चाहिए, ऐसे एडजस्टमेंट करो। और ये एडजस्टमेंट किसके थ्रू करो, बैंक अकाउंट के थ्रू। अब ये जो आप बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, ये कभी भी कोई रेशियो में नहीं होते, पर उन्होंने यहाँ कंडीशन दिया है कि ये जो भी आप बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे वो किस रेशियो में होने चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो रहेंगे क्या कभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कभी नहीं रहेंगे, इनको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट दी हुई है। जो मैं न्यू रेशियो में ये कैपिटल बैलेंसेस को लाती हूँ, उस एडजस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे कैपिटल को एडजस्ट करना है किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, और ये एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जो मैंने कहा अभी। इसको एक बार सोचना है, देखो समझ में आया है।
अगेन वहां क्या दिया है, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, दैट मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये कैपिटल्स को आपको एडजस्ट करना है किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, और ये एडजस्टमेंट किसके थ्रू करो, बैंक अकाउंट के थ्रू. इसका क्या मीनिंग है कि जो हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, वो किस रेशियो में होने चाहिए, उन्होंने कंडीशन दी है न्यू रेशियो में. ये जो बैलेंसेस हम निकालते हैं ये कभी भी कोई रेशियो में नहीं होते, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, ना कैपिटल रेशियो में होता है, ये कोई रेशियो में नहीं होता है, जस्ट बैलेंस क्रेडिट माइनस डेबिट. पर उन्होंने यहाँ कंडीशन दी है कि किशोर का जो ये बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो न्यू रेशियो में होना चाहिए, लाल का जो ये बैलेंस कैलकुलेट करेंगे वो न्यू रेशियो में होना चाहिए, ये राम का जो आप कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे वो न्यू रेशियो में होने चाहिए, ऐसी उन्होंने कंडीशन दी है. इसका मतलब है कि ये कैपिटल बैलेंसेस को मुझे न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस न्यू रेशियो में मुझे लाना पड़ेगा. ये कभी रेशियो में रहेंगे क्या बैलेंसेस, ये कभी कोई रेशियो में नहीं होते. पर उन्होंने कहा कि ये बैलेंसेस आपके किस रेशियो में होने चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए. तो मुझे ये बैलेंसेस को वो एडजस्टमेंट देने के कारण मुझे इस बैलेंसेस को न्यू रेशियो में लाना पड़ेगा, और जो मैं न्यू रेशियो में लाती हूँ उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट. बराबर, अब ये मुझे करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो मेरी थर्ड वर्किंग नोट रहेगी कैपिटल एडजस्टमेंट. लिखेंगे सभी थर्ड वर्किंग नोट. फर्स्ट हमने कैपिटल के लिए लिखा, सेकंड हमने गुडविल के लिए लिखा, थर्ड हम लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट. ठीक, अब इस कैपिटल एडजस्टमेंट को मुझे सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है. किस रेशियो में एडजस्ट करना है, न्यू रेशियो वहां दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने पार्टनर्स का रहेगा, तीन पार्टनर्स का रहेगा, क्योंकि आफ्टर एडमिशन बनेगा न्यू रेशियो, तो आफ्टर एडमिशन कितने पार्टनर्स रहने वाले, तीन, किशोर, लाल एंड राम. तो इन तीनों के न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, एक बार मैं चेक करती हूँ कैसे दिया जाएगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, या 2:2:1, ऐसा कहीं ना कहीं कुछ रेशियो दिया जाएगा. क्या क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ है क्या, पहले चेक करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले आप चेक करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, चेक करो सभी. नहीं दिया है, यस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको नहीं दिया है, तो क्या मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगी क्या, नहीं, मुझे करना ही है क्योंकि दिया है. न्यू रेशियो जब नहीं दिया तो आपको न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. जब न्यू रेशियो दिया है तो मुझे डायरेक्टली उस रेशियो में सारे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा. जब न्यू रेशियो नहीं दिया है बट इस एडजस्टमेंट के लिए मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना कंपलसरी है, जरूरी है, इसीलिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो. और आज हम पढ़ेंगे कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो थर्ड वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. कैसे कैलकुलेट किया जाता है न्यू रेशियो, कुछ तो भी न्यू का हेल्प लेना है. कौन आ रहा है पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, राम पार्टनर में पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होने जा रहा है, तो उसका जब एडमिशन होता है तो कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे एडमिशन होता है कि इतना प्रॉफिट होगा तो आपको इतना शेयर मिलेगा, ऐसा हम रोज पढ़ते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं दिया होगा कि राम की एडमिशन किस कंडीशन पे हुई है, तो मैं पढ़ती हूँ पॉइंट नंबर 1, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. इसका क्या मीनिंग है, मैं रोज एक्सप्लेन करती हूँ, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी अगर फ्यूचर में ये फर्म
₹5 का प्रॉफिट अर्न करती है सपोज, तो वन शेयर वन फिफ्थ, इसका मतलब है ₹5 में से वन शेयर किसको दिया जाएगा, राम को दिया जाएगा। इस कंडीशन पे राम को फर्म में एडमिट किया गया, तो ये राम का शेयर है, शेयर है, रेशो नहीं है, ठीक। तो इस शेयर की मदद से, इस शेयर का बेस लेते हुए, इस शेयर का हेल्प लेते हुए हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक। तो सबसे पहले लिखो राम्स शेयर इज इक्वल टू, राम्स शेयर कितना शेयर पे वो एडमिट हो रहा है, वन फिफ्थ। इसका क्या मीनिंग है, ₹5 का अगर प्रॉफिट होता है तो ₹1 राम को दिया जाए, बराबर। तो बचेंगे कितने, 5 में से 1 राम को जाएगा, तो बचेंगे कितने रुपीस, ₹4। वो ₹4 जो बच गए, वो ₹4 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करो, किशोर एंड लाल में। पर ये ₹4 कहाँ से आया, समझा क्या, वन फिफ्थ, 5 में से 1 राम को जाएगा तो बचेंगे कितने, 4। वो 4 किस में डिवाइड की जाएंगे, बचे हुए पार्टनर्स में। तो मैं सेकेंड स्टेप लिखती हूँ, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर यानी 1/5 का रिमेनिंग शेयर इस 4/5, कहाँ से आया, 5 में से 1 राम का है, बच गए 4, 5 में से 4 बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड करने वाले। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट की कंडीशन है कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस मुझे न्यू रेशो में एडजस्ट करने हैं, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो मुझे सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स न्यू रेशो में कन्वर्ट करना है, जब मैं न्यू रेशो में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे न्यू रेशो लगेगा। मैंने देखा क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्टेप वाइज ये न्यू रेशो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो मैंने लिखा पहले राम्स शेयर 1/5, ये हिंट मिल गई, ₹5 का प्रॉफिट होता है तो ₹1 राम को दिया जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज 4/5। अब इसके हेल्प से बनता है न्यू रेशो का फॉर्मूला, न्यू रेशो इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। इसका मतलब है कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनको ये रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उनका ओल्ड रेशो कंसिडर करके बनता है उनका न्यू रेशो। 1/5 में से बच गया 4/5, ये 4/5 भी कंसिडर किया जाएगा और उनका ओल्ड रेशो भी कंसिडर किया जाएगा, दोनों को कंसिडर करके बनेगा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो। तो पहला पार्टनर है किशोर, तो किशोर ओल्ड पार्टनर है ना, तो उसको रिमेनिंग में से भी मिलेगा 4/5 में से, और उसका ओल्ड रेशो भी कंसिडर किया जाएगा, किशोर ओल्ड रेशो इज 3/4 ऐसा दिया हुआ है। तो अब टोटल किशोर का शेयर कितना रहेगा, 12/20, यानी किशोर का न्यू रेशो क्या रहेगा, 12/20। देन किशोर के बाद नेक्स्ट पार्टनर था लाल, सोचो लाल ओल्ड पार्टनर है कि न्यू पार्टनर है, ओल्ड है तो उसको रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उसका ओल्ड रेशो भी है ना, तो उसका ओल्ड रेशो भी कंसिडर किया जाएगा 1/4, यानी लाल का न्यू रेशो दोनों को कंसिडर करके बनेगा 4/20। मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आगे थर्ड पार्टनर है, अब मुझे न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो नए पार्टनर का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नया पार्टनर है राम, राम ओल्ड है कि न्यू है, न्यू है तो न्यू को रिमेनिंग में से नहीं मिलेगा ना, न्यू का शेयर आपको पता है 1/5, तो राम्स शेयर इज 1/5 और उसका कोई ओल्ड रेशो तो था ही नहीं, तो राम के सामने मैंने लिखा 1/5। बट रेशो के लिए सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल होना जरूरी होता है तो ही मैं न्यूमरेटर का रेशो ले सकती हूँ। तो सबके डिनोमिनेटर्स यहाँ 20, यहाँ 20, तो मुझे यहाँ पर भी 20 चाहिए, क्या मैं ये 5 को कट करके 20 कर सकती हूँ क्या,
नहीं, ये 5 को मुझे 20 लाने के लिए डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल होता है, अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राम का शेयर बनेगा 1 × 4 = 4 एंड 5 × 4 = 20। अब सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं तो न्यूमरेटर का रेशियो 12:4:4, इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ 3:1:1। दैट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1:1। इस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबके रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमेशा न्यू रेशियो न्यू पार्टनर के शेयर का बेस लेते हुए। राम न्यू पार्टनर है, राम एडमिट हो रहा है इन पार्टनरशिप फर्म, कौन से कंडीशन पे? 1/5 शेयर। 1/5 शेयर का मीनिंग है सपोज 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपी राम को मिलेगा, तो बचेंगे कितने? 4 रुपीज वो ओल्ड पार्टनर्स में बट सकते हैं। इन सबको कंसिडर करके मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला पार्टनर था किशोर, किशोर ओल्ड पार्टनर है तो उसका न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए, किशोर ओल्ड है तो उसमें से शेयर में से उसको रिमेनिंग में से मिलेगा और उसका ओल्ड रेशो भी कंसिडर किया जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर बना किशोर का न्यू रेशो, न्यू शेयर न्यू रेशो। लाल अगेन ओल्ड पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उसका ओल्ड रेशो भी कंसिडर किया जाएगा। दोनों को कंसिडर करके बना लाल का न्यू रेशो। राम न्यू पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से नहीं मिलेगा ना, उसका शेयर ही आपको पता है 1/5, पर उसका ओल्ड रेशो कोई था क्या? नहीं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई ओल्ड रेशो से कुछ कर ही नहीं सकती, तो उसका 1/5 शेयर है। बट सबके डिनोमिनेटर्स में 20 है तो मुझे राम के भी डिनोमिनेटर में चाहिए 20। 5 को 20 करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5 × 4 = 20। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो और इसीलिए उसका न्यू रेशियो आया 4/20। सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं तो न्यूमरेटर का रेशियो लेंगे 12:4:4, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3:1:1। दैट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी 3:1:1। एक बार जो वर्किंग नोट बनाई है एक बार रिवाइज करो। अब ये एडजस्टमेंट डेली रहने वाला है, डेली हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो इसके ऊपर हमको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यू रेशियो में मुझे सबके कैपिटल बैलेंसेस लाने हैं। कैपिटल बैलेंसेस यानी क्रेडिट माइनस डेबिट, जो मैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर करती हूँ वो किस रेशियो में होने चाहिए? 3:1:1। ये बैलेंसेस कभी 3:1:1 कोई रेशियो में रहेंगे क्या? नहीं, इनको मुझे इस रेशियो में लाना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसके लिए मुझे जरूरी था न्यू रेशियो, दिया नहीं था, मैंने कैलकुलेट किया। अब इस रेशियो में मुझे चाहिए तीनों के कैपिटल बैलेंसेस, बराबर। तो कैसे कैलकुलेट करना? सबसे पहले तीनों के नाम लिख लो, किशोर, लाल एंड राम। ये तीन पार्टनर्स है, ये तीन पार्टनर्स के कैपिटल्स मुझे किस रेशियो में चाहिए? न्यू रेशियो कितना है? 3:1:1। तो मैं लिखती हूँ 3:1:1। इस कैपिटल्स के नीचे, नाम के नीचे मैंने न्यू रेशियो लिख लिया। अब
मुझे इस रेशियो में कितना कैपिटल लगेगा वो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। कितना मुझे इस रेशियो में कैपिटल चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए, 3:1:1 इस रेशियो में मुझे कितना कैपिटल चाहिए वो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा रिक्वायर्ड कैपिटल, यानी मुझे इस रेशियो में कितना कैपिटल चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड कैपिटल। अब ये रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी ना किसी एक पार्टनर का बेस लेना पड़ता है। कोई भी पार्टनर का बेस में ले सकती हूँ, किशोर का कैपिटल का बेस ले सकती हूँ, लाल के कैपिटल का बेस ले सकती हूँ, या राम के कैपिटल का बेस ले सकती हूँ। किसी भी एक पार्टनर का बेस लेते हुए मुझे चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड यानी मुझे न्यू रेशियो में कितना कैपिटल चाहिए, ये कैलकुलेट किया जाता है। बट हमेशा बेस लिया जाता है न्यू पार्टनर के कैपिटल का। क्यों? क्योंकि उसमें एंट्रीज बहुत कम होती है और कैलकुलेशंस इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करूंगी किसका बेस लेते हुए, राम के कैपिटल का बेस लेते हुए। तो मैं आ जाती हूँ राम के अकाउंट में। राम के कैपिटल का बेस यानी राम का क्रेडिट माइनस राम का डेबिट देखा जाएगा। क्रेडिट 60,000 माइनस डेबिट 0, दैट मींस राम के बैलेंस कितना है 60,000। इस 60,000 का बेस लो, यानी राम का बेस लेना है। तो मैंने राम के कैपिटल का बैलेंस लिखा। मैं वर्ड तरफ, मेरे वर्डिंग के तरफ ध्यान अच्छे से देना है। मैंने राम का कैपिटल नहीं लिखा, मैंने राम के कैपिटल बैलेंस का बेस लिया। बैलेंस मींस क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट जीरो है इसलिए उतना ही अमाउंट आ रहा है 60,000, ठीक। अब ये क्या कहता है, राम वन शेयर के लिए, ये उसका रेशो है ना, वन रेशो के लिए 60,000 का राम का फॉर्म में बैलेंस दिखता है, तो लाल का भी वन के लिए कितना दिखना चाहिए। राम का वन के लिए 60,000, तो लाल का वन के लिए भी कितना होना चाहिए, 60,000। ये रिक्वायर्ड है, मुझे इनके कैपिटल बैलेंसेस न्यू रेशो में इतने करने हैं, इतने लाने हैं। तो मैंने किस अकाउंट का बेस लिया, राम के कैपिटल का बेस लिया, न्यू पार्टनर के कैपिटल का बेस लिया। कोई भी पार्टनर का बेस लिया जा सकता है, बट हम हमेशा किस कैपिटल का बेस लेंगे, न्यू पार्टनर का, क्योंकि कैलकुलेशंस इजी होते हैं। तो मैंने न्यू पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो राम का 60,000 वन शेयर के लिए है, तो लाल का भी वन के लिए कितना होना चाहिए, 60,000। किशोर का कैलकुलेट करेंगे, राम का वन शेयर के लिए 60 है, तो किशोर का न्यू फॉर्म में कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए, 3 शेयर के लिए 1,80,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 के लिए 60, तो 3 के लिए सो मच, ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं ये कैपिटल देखती हूँ 1,80,000, 60,000, 60,000, वो किस रेशो में है, 3:1:1, ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए। पर उनके कैपिटल में क्या इतने ही बैलेंसेस है क्या, ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए न्यू रेशो में, पर उनके कैपिटल में इतनी बैलेंसेस है क्या, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मेरी सेकंड स्टेप रहेगी एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। एक्चुअल यानी किशोर अकाउंट में कितना बैलेंस है, लाल में कितना बैलेंस है, राम में कितना बैलेंस है, कैलकुलेट करते हैं। पहले किशोर का क्रेडिट माइनस डेबिट, एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। तो मैं रफ में किशोर का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करती हूँ, क्रेडिट माइनस डेबिट। $1,50,300 क्रेडिट माइनस डेबिट 0, डेट मीन्स किशोर कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 1,50,300। चेक करते हैं लाल का, $60,000
68,100. Credit minus debit 0. That means balance is 68,100. Ram ka credit minus Ram ka debit 60 minus 0. 60,000 ऐसी पोजीशन हर एक अकाउंट में है। सबसे पहले हम ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या है? हमें दिया था लास्ट एडजस्टमेंट में कि सारे कैपिटल्स किस रेशो में होने चाहिए, न्यू रेशो। यानी जब न्यू फर्म बनेगी तब सारे कैपिटल्स, सबके कैपिटल्स बैलेंस शीट में किस रेशो में दिखने चाहिए, 3:1:1। बट ये कभी भी उनके बैलेंसेस में अगर मैं देखती हूँ तो ये कभी उस रेशो में नहीं रहेंगे, उनको मुझे न्यू रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस एडजस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कंडीशन ये है कि सबके बैलेंसेस किस रेशो में होने चाहिए, न्यू रेशो में। बट वो कभी न्यू रेशो में रहेंगे क्या? नहीं, उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले जरूरी था न्यू रेशो, जो मैंने न्यू पार्टनर का शेयर बेस लेते हुए कैलकुलेट किया। तो 3:1:1 में मुझे किशोर, लाल और राम का कितना कैपिटल चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया रिक्वायर्ड कैपिटल। मुझे कितना कैपिटल चाहिए न्यू रेशो में, ये तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेट करने के लिए किसी ना किसी एक पार्टनर का बेस लो। हमेशा हम किस पार्टनर का बेस लेंगे, न्यू पार्टनर का। तो मैंने लिया राम के कैपिटल बैलेंस का बेस, कैपिटल बैलेंस यानी राम का क्रेडिट माइनस राम का डेबिट, जो आया 60,000। इसका क्या मतलब है कि राम 1 के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करता है 60, तो लाल का भी 1 के लिए कितना होना चाहिए बिजनेस में कैपिटल, 60। राम 1 के लिए बेस राम का ही लेंगे, राम 1 के लिए 60 का इन्वेस्ट करता है, तो किशोर ने 3 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 1,80,000। दिस इज रिक्वायर्ड। अगर मैं ये कैपिटल का रेशो लेती हूँ तो वो 3:1:1 है, ये मुझे चाहिए। बट ये है क्या? नहीं है। कितना है कैलकुलेट करो। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल कैपिटल बैलेंस? किशोर का क्रेडिट माइनस किशोर का डेबिट, किशोर का क्रेडिट की टोटल माइनस किशोर का डेबिट का टोटल, लाल का क्रेडिट का टोटल माइनस लाल का डेबिट का टोटल, राम का क्रेडिट का टोटल माइनस राम का डेबिट का टोटल। राम में जितना चाहिए उतना ही है, तो राम में आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड इज 60 और उसके कैपिटल अकाउंट में है भी कितना, 60। बट इन दोनों में अलग अलग है। रिक्वायर्ड मुझे चाहिए 180, बट किशोर का मेरे पास है कितना, 150,300। तो फर्म क्या कहेगी, मुझे चाहिए आपका कैपिटल 180, बट आपका है कितना, 150, तो आपको और कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और किशोर कैपिटल इन्वेस्ट करता है जी, क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल न्यू रेशो में उसको लाने के लिए उतना अमाउंट और बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और किशोर इसको मना नहीं कर सकता, किशोर इसको इन्वेस्ट करता है। ठीक, अब लाल का रिक्वायर्ड इज 60, चाहिए 60, बट उसका है कितना, 68,100। ज्यादा है ना, चाहिए 60,000 बट उसका फर्म में जमा कितना है, 68,100। तो एडजस्टमेंट करेगी फर्म क्या करेगी, एक्सेस अमाउंट लाल को वापस कर देगी, क्योंकि उसको चाहिए कितना, 60 चाहिए, तो लाल को क्या कर देगी, एक्सेस अमाउंट वापस कर देगी। ये करनी पड़ती है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैसे करेंगे, किशोर का रिक्वायर्ड इज 180 बट एक्चुअल इज 150,300, यानी किशोर का चाहिए 180 बट है 150,300, यानी किशोर में कैपिटल कम है। कितना कम है वो डिफरेंस पहले कैलकुलेट करो, 29,700। रिक्वायर्ड इज 180 बट एक्चुअल इज 150,300, तो इसे हम कहेंगे रिक्वायर्ड से एक्चुअल कम है तो डेफिसिट है, तो हम किशोर को कहेंगे कि आपको पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाल का रिक्वायर्ड इज 60 बट एक्चुअल इज 68,100, मुझे चाहिए उसके कैपिटल में बैलेंस 60,000 बट उसका बैलेंस कितना दिख रहा है, 68,100, बट मुझे रिक्वायर्ड
कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए उसका 60,000 ही बैलेंस चाहिए ना, यानी फर्म के पास उसका कैपिटल ज्यादा जमा है। कितना ज्यादा है? 8,100, तो इसको हम कहेंगे एक्सेस। रैम में पोजीशन क्या है? रिक्वायर्ड इज 60, एक्चुअल इज 60, इसमें कोई आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये डेफिसिट और एक्सेस की एडजस्टमेंट की जाएगी थ्रू बैंक। अब वहां लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट किसमें करो? थ्रू बैंक। डेफिसिट है तो हम क्या कहेंगे किशोर को कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका 150-300 दिख रहा है, बट हमें चाहिए 180, तो लाओ और कैपिटल लाओ। कितना लाओ? 29,700। किशोर मना करेगा क्या? नहीं। मुझे कैसे समझा? नहीं करेगा मना, उसको देना ही पड़ेगा फॉर्म को और एडिशनल कैपिटल। तो किशोर और 59,700 बिजनेस को देगा, तो बिजनेस को पैसा मिलेगा। कैश इज कमिंग इन, बट कैश की जगह पे वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना लाएगा किशोर? 29,700। ये 29,700 फॉर्म को पैसे मिले। हु इज गिवर? किशोर इज गिवर, क्रेडिट द गिवर। लिखेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आ जाते हैं लाल। लाल का रिक्वायर्ड इज 60, फॉर्म को चाहिए 60, पर उसके अकाउंट में कितना है, बैलेंस कितना है? 68,100। तो फॉर्म को 60 ही था चाहिए, बट है 68,100, तो फॉर्म क्या करेगी? उसको एक्सेस अमाउंट वापस कर देगी। लाल को पैसा वापस करेगी और फॉर्म करती है, तो फॉर्म ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करेगी लाल को। दैट मीन्स फॉर फॉर्म कैश इज गोइंग आउट। इंस्टेड ऑफ कैश मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये पैसा जिसको वापस किया, हु इज द रिसीवर ऑफ दैट कैश? लाल इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे पता है डिफिकल्ट तो जाएगा ही, बट एक फर्स्ट क्वेश्चन में ये 100% समझ में आएगा, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। बट वीडियो को बार बार देखो, जो भी डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसको पोस्ट करना पड़ेगा। मैंने एंट्री पास की बैंक टू किशोर्स कैपिटल, तो बैंक के डेबिट में टू किशोर्स कैपिटल 29,700, किशोर के क्रेडिट में बाय बैंक 29,700। लाल्स कैपिटल टू बैंक, तो लाल के डेबिट में टू बैंक, लाल सेकंड नंबर का पार्टनर है तो सेकंड कॉलम में, बैंक के क्रेडिट में बाय लाल्स कैपिटल। ये एडजस्टमेंट करने के बाद देखते हैं उनके बैलेंसेस जितने रिक्वायर्ड है उतने ही आने चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं किशोर का बैलेंस क्रेडिट माइनस किशोर का डेबिट। ₹1,80,000 क्रेडिट माइनस किशोर डेबिट जीरो, नेट मीन्स बैलेंस इज 180। देखो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आया है, उतने बैलेंसेस मुझे कैपिटल अकाउंट में चाहिए थे जो मैंने एडजस्ट करके लाए हैं। ठीक, लाल का क्रेडिट माइनस लाल का डेबिट। देखो लाल में मुझे चाहिए कितना? 60, और मैंने एडजस्टमेंट करके लाया भी कितना? 60। राम में क्रेडिट 60, राम में डेबिट 0, बैलेंस 60, चाहिए भी कितना? 60। इसके आगे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन,
ये बैलेंसेस को न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो। उन्होंने जो कंडीशन दी है कि आपके बैलेंसेस किस रेशो में होने चाहिए, 3:3:1 न्यू रेशो में, और ये बैलेंसेस देखिए एग्जैक्ट आपके न्यू रेशो में है। ये थे नहीं, इनको हमने लाया है बाय कैपिटल एडजस्टमेंट। बैंक बैलेंस ₹1,19,700, ₹1,11,600 असेट में ट्रांसफर कर देते हैं। चेक करते हैं बैलेंस शीट। ₹4,20,000 लायबिलिटी का टोटल, ₹4,20,000 असेट सेट का टोटल। ठीक, गो थ्रू करो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दो बार, तीन बार, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट एग्जाम में आता ही है। ठीक, तो ये हमको अच्छे से करना है। लाइव सेशन एक दो दिन हमारा नहीं होगा, इसलिए हम फेस टू फेस डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट जो भी डाउट्स होंगे ये मैं थर्सडे या फ्राइडे को जो लाइव सेशन दूंगी उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।